हेलो गाइस, आप देख रहे हैं स्टूडेंट अपडेट्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। और यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो फिफ्थ सेमेस्टर के कैंडिडेट्स थे, जिन कैंडिडेट के यहाँ पर जो है इंटरनल असेसमेंट नहीं हुए थे, उन कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर जो है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड ग्राउंड जम्मू की तरफ से यहाँ पर एक नोटिस जो है वो जारी किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो रेगुलर कैंडिडेट्स थे 2021 सेशन के, यहाँ पर जो सेमेस्टर फिफ्थ के कैंडिडेट्स थे, और जहाँ पर जिन कैंडिडेट्स के इंटरनल असेसमेंट नहीं हुए थे, यानी कि जो स्टूडेंट एबसेंट थे इंटरनल असेसमेंट के वक्त, ठीक है, उन कैंडिडेट्स के लिए नोटिस है। और यहाँ पर कहा गया है कि उनको जो है लास्ट अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो जो है एमसीक्यू पैटर्न पे, यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स ने यहाँ पर जो है अपने इंटरनल असेसमेंट नहीं दी है, फिफ्थ सेमेस्टर के जो कैंडिडेट्स थे वो जो है अपनी जो इंटरनल असेसमेंट है वो दे सकते हैं। ये जो इंटरनल असेसमेंट होगी ये ऑफलाइन मोड पे होगी और एमसीक्यू पैटर्न रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। और जो वेन्यू की अगर बात करें तो यहाँ पर वेसमेंट सी रहने वाला है। गाइस, मैं आपको फिर बताता चलूँ, ये फिफ्थ सेमेस्टर के जो कैंडिडेट्स थे रेगुलर के 2021 सेशन के, यहाँ पर उन कैंडिडेट्स के लिए नोटिस जारी किया गया है जो कैंडिडेट इंटरनल असेसमेंट के दौरान जो है एबसेंट थे, ठीक है। उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर कहा गया है कि वो ऑफलाइन मोड पे जो है अब अपनी इंटरनल असेसमेंट दे सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन परेड ग्राउंड जम्मू के कैंडिडेट्स के लिए नोटिस जारी किया गया है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें ताकि बाकी वाले स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।